शिवपुरी के खुराई के रहने वाले युवक ने बताया कि वो गांव में माता के मंदिर पर ग्वाल का भोजन कराया था। रात में लौट रहा था, तभी टेम्पो चालक ने तेजी व लापरवाही से टेम्पो चलाते हुए पलटा दिया, जिसमें वो घायल हो गया। जानकारी के अनुसार महेंद्र लोधी पुत्र हेमराज लोधी उम्र 36 साल निवासी खुरई थाना पिछौर ने बताया कि वो 30 नवंबर को सुबह 10:30 बजे बल्लू लोधी का टेम्पो किराए से ले गया था और खुरई गांव में माता के मंदिर पर उसने भोजन कराया। रात में 8 बजे के आसपास वो सामान रखकर वापस लौट रहा था, तभी ग्राम पंचायत खुरई के पास बल्लू ने अपना टेम्पो तेजी व लापरवाही से चलाते हुए पलटा दिया, जिसमें रखा सामान बाहर आ गया और वो टेम्पो की चपेट में आ गया। उसे चोटें आई हैं, उसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। क्या नाम है आपका? महेश सिंह। ये चोट कैसे आ गई आपकी? यहाँ चोट सारे टेम्पो पलटा है। किस जगह? देख खुरई रोड पे। कहाँ जा रहे थे? घर आ रहे थे सर, देवताना से अपना सामान लेके, तो उसकी लापरवाही से टेम्पो पलटा है सर। कहाँ गए थे देवता? कहाँ पे आपसे देवता का देवता नहीं पा के यहाँ गए थे खुरई में। खुरई? हाँ, खुरई से घर वापस जा रहे। हाँ, कुआ पे रहते हैं अपन, तो कुआ पे वापस सामान लेके चले आए थे। रास्ता में घर कौन सी जगह आपकी? मैन रोड जंगीपुर रोड पे है। कब की घटना है? जो रात की है सर। किस किस के यहाँ लगी चोट? सर मुझ में यहाँ चोट लगी, टेम्पो वाला था वो मैं था और एक और था दोपहर, तो दुकान तो पहले उछटा दिया उसको, मैंने रोका कि भैया तू रुको जा, दोपहर को उठा ले। नहीं, वो तो बैठा है, बोल रहा था वो क्या दारू वारू पिए? हाँ, दारू पिए था सर ड्राइवर। ड्रिंक किया हुआ है? हाँ।